हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मधु एबी किचन में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और उसमें 2 कटोरी मैदा को डालिए, फिर 1 छोटी कटोरी तेल डालिए, रिफाइंड तेल डालना है, 4 चुटकी नमक, 4 चुटकी मीठा सोडा डालिए, 1/2 कटा हुआ नींबू का जूस डालिए और सबको मिला लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और मैदे को मिला लीजिए। इसको हल्के हाथों से मलना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मलना है, हल्के हल्के हाथों से मलकर इसको एक टाइट डो गूँथ लीजिए, मतलब कि गूँथना नहीं है, टाइट आटे को मिला लीजिए और जिस कटोरी से आपने मैदा को मापा था उसी कटोरी से 1 कटोरी शक्कर लीजिए और 1/2 कटोरी पानी डालिए और 1 इलायची डालिए, 2-4 बूंद नींबू का डालिए और सबको मिला लीजिए और इसे मीडियम आंच पर चाशनी को पकने दीजिए। जब चाशनी में उबाल आ जाए तब 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डालिए और सबको मिला लीजिए। छन्नी से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद में उंगली में लगाइए और चाशनी को चेक कीजिए। जब चाशनी चिपचिपा है, मतलब कि शहद जैसा है, तो मतलब कि चाशनी बनकर तैयार है। फिर गैस को बंद कर दीजिए और फिर आटे को 1 छोटी सी लोई लीजिए और उसमें गोला बनाइए। गोला बनाने के बाद उंगली के सहारे थोड़ा सा होल कीजिए, मतलब कि छेद कीजिए। देखिए दोबारा बना रही हूँ। लोई बनाइए, फिर फैला दीजिए हाथों से, फिर उसमें 1 छेद कर दीजिए। फिर इसे हल्का गरम तेल में डालिए, ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का होना चाहिए तेल, और हल्का तेल में डालिए। उलट पलट कर इसे 5-5 मिनट में उलट पलट कर इसको इसी तरह धीमी आंच पर पकाना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, अगर ज़्यादा आँच पर पका देंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा और नीचे से कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए इसे धीमी आंच पर एकदम धीरे धीरे पकाना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अंदर से पक जाएगा। जब अच्छा से पक जाए तब आंच को आप मीडियम कर दीजिए और मीडियम आंच पर इसको अच्छा कलर आने दीजिए। देखिए जब अच्छा कलर आ गया तो इसको फिर से दोबारा उलट दीजिए। उलटने के बाद में थोड़ा सा इसे पकने दीजिए। जब पक जाए तब इसे एक एक करके निकाल लेना है। चाशनी को गरम करने के लिए रखिए गैस पर। जब चाशनी गरम हो जाए तब अपना बालूशाही को हम डाल देंगे और उलट पलट कर इसको मिला लेंगे। फिर इसे मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट तक इसी तरह खुला पकाएंगे। जब 2 से 3 मिनट के बाद में फिर गैस को बंद कर दीजिए और ढक्कन से ढक दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद में ढक्कन हटाइए। देखिए सारा चाशनी सूख गया है। फिर से इसे मिला लीजिए।
हमारा बालूशाही खाने के लिए तैयार है। आप ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। हमारे पास काजू था, काजू के टुकड़े करके मैंने गार्निश किया है। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट से उसे गार्निश कर लीजिए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। और हमारी रेसिपी कैसी बनी है प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।